सभी को प्यार भरा नमस्कार। इम्पीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे, आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके एग्रीकल्चर के लिए, और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारी भी आपको दूंगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, अब किस प्रकार से आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कल शाम को जो BHU का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था उसमें बहुत कम स्टूडेंट थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जेट में भी बहुत कम स्टूडेंट थे, लेकिन जेट की हालत फिर भी थोड़ी सी ठीक थी, ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन BHU की हालत बहुत ख़राब थी। वो वीडियो रैंक नहीं कर रही है, रैंक क्या उसके व्यूज़ ही नहीं है उस वीडियो पे, वो पड़ा है साइड में कहीं, किसी ने देखा ही नहीं। इतने अच्छे तरीके से मैंने पेपर को सॉल्व करवाया था और स्टूडेंट आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शेयर नहीं किया होगा, तो उस वीडियो की कंडीशन वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा वो वीडियो, तो उसको शेयर करिए उस वीडियो को। BHU का पेपर है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। BHU का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया था उसमें एग्रीकल्चर का, और आप लोग क्लास अटेंड नहीं करने आए, और ऐसा मत करिए, क्लास अटेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आने की कोशिश कीजिए। बाद के ऊपर मत छोड़िए, बाद में तो कोई अटेंड नहीं करता है फिर, ठीक है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर देखो एक आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको इधर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। क्वालिटी अपनी मेंटेन कर लीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आप 240 या 360 पी पर करके आराम से देख सकते हो, सब कुछ साफ दिखाई देगा। बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण निम्न में से है। सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण निम्न में से है, ऑप्शन ए हरी खाद, ऑप्शन बी सूखा रक्त, ऑप्शन सी वर्मी कंपोस्ट, और ऑप्शन डी गोबर की खाद। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण है हरी खाद, सूखा रक्त, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण पूछा है यहाँ पर। जिसने बी जवाब दिया है सूखा रक्त, बिल्कुल सही जवाब है। जो सूखा रक्त है वो क्या है? सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण है। और हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद क्या है? ये स्थूल कार्बनिक खाद के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना, ये वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और हरी खाद स्थूल कार्बनिक खाद कहलाएगी। सूखा रक्त और विभिन्न प्रकार की जो खलियाँ होती हैं वो सांद्र कार्बनिक खाद के नाम से जानी जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, साधारण मृदा की कुल सांद्रता होती है। साधारण मृदा की सांद्रता पूछी है यहाँ पर, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 30। बताइए जल्दी से साधारण मृदा की कुल सरंध्रता, रंध्रों का यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, रंध्रों का प्रतिशत पूछा है यहाँ पर, 50% रंध्र होते हैं उसमें। कितने होते हैं? 50% रंध्र होते हैं। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, सरजू 52 किसकी किस्म है? सरजू 52 पूछा है, सूरज नहीं है, सरजू 52 है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी बाजरा। बताइए जल्दी से सरजू 52 किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, चना की या बाजरा की? ए, बे, से या दे? सरजू 52, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है धान या राइस या पेडी, बिल्कुल सही जवाब है। जो सरजू 52 किस्म है वो किसकी है? वो धान की किस्म है। तो ध्यान रखना, सरजू 52 इज़ ए वैरायटी ऑफ पेडी। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या है, क्वेश्चन है, सरसों की प्रथम सम क्लोनल सेलेक्शन किस्म है। अब सम क्लोनल की जगह यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ जाए कि सरसों की प्रथम बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित या बायोतकनीक द्वारा विकसित किस्म है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए वरुणा, ऑप्शन बी T9, ऑप्शन सी पूसा जय किसान जिसको बायो 902 के नाम से भी जानते हैं, और ऑप्शन डे है सरपंच। बताइए जल्दी से, सम क्लोनल सेलेक्शन या बायोटेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप्ड, दोनों एक ही चीज़ है। बताइए, अब ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, क्या होगा आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए।
जिसने जवाब दिया है पूसा जे किसान, बिल्कुल सही जवाब है। सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी होगी? सरसों की जो प्रथम सम क्लोनल सिलेक्शन संकर किस्म थी, या उसको बायो तकनीक द्वारा विकसित किस्म भी बोल सकते हैं, ये थी पूसा जे किसान, जिसको हम बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बायो 902 के नाम से भी जानते हैं, सरसों की किस्म है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या है। सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचम या पांचवा, और ऑप्शन डी द्वितीय। बताइए जल्दी से, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या पंचम? ए बी सी डी। जिसने जवाब दिया है प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। जो सरसों सबसे ज़्यादा भारत में जो सरसों होती है वो कहाँ पर होती है? राजस्थान के अंदर होती है। तो ध्यान रखना, सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होगी भारत में? भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सरसों अनुसंधान केंद्र भी राजस्थान में ही है। राजस्थान का एक जिला है भरतपुर नाम से, भरतपुर के अंदर एक तहसील है सेवर, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है ये सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सरसों किस वनस्पति कुल का पौधा है? सरसों किस वनस्पति कुल का पौधा है? ध्यान रखिए, आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आपसे कुल वाला पौधा एक जरूर पूछेगा वो। तो ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी क्रूसीफेरी, ऑप्शन सी मालवेसी और ऑप्शन डी लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी। बताइए जल्दी से क्या होगा। सरसों का कुल पूछा है यहाँ पर, ए बे से दे। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सरसों किस कुल का पादप है? सरसों क्रूसीफेरी कुल का पादप है। सरसों, तारामीरा और क्या बोलते हैं उसको, सरसों से रिलेटेड जो भी है छोटे छोटे, वो सब राई सब इसी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? क्रूसीफेरी कुल के अंदर आती है। और जो गोभियाँ होती हैं, वो भी वर्गीय सब्जियाँ, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। सरसों के फल को क्या कहते हैं? सरसों के फल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोड, ऑप्शन बी दाना, ऑप्शन सी सिलिकुआ और ऑप्शन डी कैरियोप्सिस। बताइए जल्दी से, पोड, दाना, सिलिकुआ या कैरियोप्सिस? सरसों के फल को क्या कहते हैं? पोड, दाना, सिलिकुआ या कैरियोप्सिस? ए बे से दे। जल्दी से बताइए, सरसों के फल को, जिसने ऑप्शन से जवाब दिया है सिलिकुआ, बिल्कुल सही जवाब है। सरसों का फल क्या कहलाता है? सरसों का फल सिलिकुआ के नाम से जाना जाता है, सिलिकुआ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए फ्लू क्लोरेलिन, ऑप्शन बी क्यूनोलफोस, ऑप्शन सी मेनकोजेब और ऑप्शन डी 2,4-D। बताइए जल्दी से, सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? ये तो समझ गए आप कि प्याजी की जो खरपतवार होता है वो किसमें उगता है? सरसों की फसल में उगता है, और मुख्य समस्या है इसकी। तो बताइए, फ्लू क्लोरेलिन, क्यूनोलफोस, मेनकोजेब या 2,4-D, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जिसने फ्लू क्लोरेलिन जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। फ्लू क्लोरेलिन क्या करता है? ये फ्लू नहीं है, फ्लू है। फ्लू क्लोरेलिन क्या करता है? फ्लू क्लोरेलिन का उपयोग किया जाता है प्याजी की रोकथाम के लिए। सरसों की फसल में प्याजी जो खरपतवार होता है उसको नष्ट करने के लिए फ्लू क्लोरेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, सरसों की उन्नत किस्में कौन सी हैं? इसमें से सरसों की उन्नत किस्में बतानी है आपको। ऑप्शन ए पूसा बोल्ड, ऑप्शन बी पूसा कल्याणी, ऑप्शन सी बायो 902, जिसका दूसरा नाम है पूसा जय किसान। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, बहुत ही मेहनत के बाद में इसमें सफलता पाई थी। और लास्ट है उक्त सभी या उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी, बायो 902 या उपरोक्त सभी, सरसों की उन्नत किस्म। सरसों की उन्नत किस्म, जिसने उपरोक्त सभी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सरसों की हैं तीनों ही किस्में। किसकी हैं? सरसों की हैं, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी और बायो 902। अगला सवाल देखिए क्या है। सरसों की प्रथम संकर किस्म है? सरसों की प्रथम संकर किस्म है, बताइए जल्दी से, सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी होगी? NRCHB 504, NRCHB 505, NRCHB 506 और NRCHB 605। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, NRCHB 504, NRCHB 505, NRCHB 506।
जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला NRCHB 506 बिल्कुल सही जवाब है। जो सरसों की प्रथम संकर किस्म होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी NRCHB 506। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो किस्म है, ये किस्म कहाँ से निकली है, ये किस्म निकली है सेवर भरतपुर से। कहाँ से निकली है, सेवर भरतपुर से, जहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र है। और अब उस सरसों अनुसंधान केंद्र को निदेशालय बना दिया गया है, तो अनुसंधान केंद्र से बड़ा होता है निदेशालय, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, सरसों के तेल में गंध किस खरपतवार के बीज मिलने से होती है। सरसों के तेल में गंध किस खरपतवार के बीज मिलने से होती है। ऑप्शन ए फेलेरिस माइनर, ऑप्शन बी सत्यानाशी, ऑप्शन सी कंटेली और ऑप्शन डी गोखरू। बताइए जल्दी से, सरसों के तेल में किस खरपतवार नाशी के बीज मिलने से। जिसने बी जवाब दिया है सत्यानाशी, बिल्कुल सही जवाब है। सरसों के तेल में गंध किसके कारण होती है, सत्यानाशी के कारण होती है। और सत्यानाशी के तेल में, सॉरी, सरसों के तेल में जब सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और उस तेल का सेवन मनुष्य कर लेता है, तो उस समय मनुष्य में क्या हो जाता है, ड्राफ्सी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, ड्राफ्सी नामक बीमारी हो जाती है। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है जेट में, सरसों के तेल में गंध या किसके कारण आती है, तो सत्यानाशी के कारण आती है। सत्यानाशी का तेल बीज मिल गया उसमें और उसका सेवन कर लिया किसी मनुष्य ने, तो उसमें ड्राफ्सी नामक बीमारी पैदा हो सकती है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है। सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है। ऑप्शन ए पान, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी तंबाकू। तो पान का तो पेड़ होता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर कपास, तंबाकू और आलू, तीनों में से बताना है आपको, तीनों में से बताइए जल्दी से। सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक, जिसने बी जवाब दिया है आलू, बिल्कुल सही जवाब है। जो सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है वो किससे अपनाई जा किस फसल में अपनाई जाती है, आलू की फसल में अपनाई जाती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और एक इसके साथ एक चीज़ और है कि इसका भी, इसका एक और चीज़ होता है जो होता है TPS, ट्रू पोटैटो सीड। क्या बोलते हैं उसको, ट्रू पोटैटो सीड। तो इन दोनों के बारे में कभी बात करेंगे, TPS क्या होता है और सीड प्लॉट टेक्निक क्या होती है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है सभी जीवन क्रियाओं के लिए उपयुक्त तापमान है। सभी जीवन क्रियाओं के लिए उपयुक्त तापमान पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए 20 डिग्री से 30 डिग्री फारेनहाइट, 100 से 120 डिग्री फारेनहाइट, 40 से 60 डिग्री फारेनहाइट या 80 से 100 डिग्री फारेनहाइट। बताइए जल्दी से, फारेनहाइट। मैंने पिछली क्लास में भी बोला है आपको, आपको सेंटीग्रेड को या सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना। क्वेश्चन आपको वहाँ पर डाटा फारेनहाइट में दे दिया, तो फारेनहाइट में अगर आपको डाटा दे दिया तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसने जवाब दिया है 40 डिग्री से 60 डिग्री फारेनहाइट, बिल्कुल सही जवाब है। सभी जीवन क्रियाओं के लिए उपयुक्त तापमान कितना होगा, सभी जीवन क्रियाओं के लिए उपयुक्त तापमान होगा 40 डिग्री से 60 डिग्री फारेनहाइट। ये सेंटीग्रेड नहीं है, फारेनहाइट है। जैसे ही इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा कम हो जाएगा ये, इस चीज़ का ध्यान की। अगला सवाल देखिए, स्थान की ऊंचाई नापने में प्रयोग किए जाने वाला यंत्र। ध्यान से देखिए, स्थान की ऊंचाई नापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र, बताइए जल्दी से। स्थान की ऊंचाई नापनी है आपको। ऑप्शन ए ताप मापी, ऑप्शन बी दाब मापी, ऑप्शन सी वेग मापी और ऑप्शन डी ताप लेखी। बताइए जल्दी से, दाब मापी बिल्कुल सही जवाब है। दाब तो नापता है, तो वायुमंडलीय दाब के आधार पर ही किसका अंदाजा लगाया जाता है, उसके आधार पर स्थान का अंदाजा लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, दाब मापी क्या होगा, दाब मापी स्थान की ऊंचाई को नापने के काम भी आता है। अगला सवाल देखिए, स्थायी मिलानी बिंदु कितने बार पर होता है, बताना है आपको। स्थायी मिलानी बिंदु कितने बार पर होता है, स्थायी मिलानी बिंदु का मतलब होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एफ नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर पी आएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पूछा है। इसका मतलब ये होता है, जब स्थायी मिलानी बिंदु का मतलब ये होता है कि ऐसा बिंदु जहाँ पर बिल्कुल किसी कोई भी चीज़ सूख जाती है। ये मुख्य रूप से मिट्टी में नमी की मात्रा को दर्शाने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। स्थायी मिलानी बिंदु पर जो मिट्टी के अंदर नमी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है और सूख जाती है, तो वो कितनी बार पर होता है ये बताना है आपको, 0.33 बार। दूसरा है
15 बार, ऑप्शन तीसरा है 31 बार और ऑप्शन चौथा है 1000 बार। बताइए जल्दी से, 0.33 बार, 15 बार, 31 बार या 1000 बार? ए बे से दे, स्थायी मिलानी बिंदु कितने बार पर होता है? स्थायी मिलानी बिंदु कितने बार पर होता है? बताइए जल्दी से, स्थायी मिलानी बिंदु कितने बार पर होगा? जिसने जवाब दिया है 15 बार, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो बार है, इस बार का मतलब होता है, ये इसकी यूनिट है, बार इसकी यूनिट है। इस टाइम ये किसी भी उसको नापने की, दबाव को नापने की या किसी भी चीज़ में नमी को मापने की, ये क्या है, यूनिट है। और जो स्थायी मिलानी बिंदु होगा वो कितने पर होगा? 15 बार पर होगा। अगला सवाल देखिए, समेकित उर्वरक प्रबंधन से रासायनिक उर्वरकों में कमी की जा सकती है। क्या लिखा हुआ है? समेकित उर्वरक प्रबंधन से रासायनिक उर्वरकों में कमी की जा सकती है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 50%। बताइए जल्दी से, समेकित उर्वरक प्रबंधन से रासायनिक उर्वरकों में कमी की जा सकती है। 20%, 30%, 40% और 50%। ए बे से या दे। बताइए जल्दी से क्या होगा समेकित उर्वरक प्रबंधन का जवाब? ए बे से या दे। समेकित उर्वरक प्रबंधन में क्या करेंगे हम? जिसने 40% जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। समेकित उर्वरक प्रबंधन से रासायनिक उर्वरकों में 40% तक कमी की जा सकती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम समेकित तरीके से या सही ढंग से उर्वरकों को उपयोग करेंगे तो कम से कम 40% की कमी आ जाएगी उर्वरकों में। जैसे कहीं पर हम 100 किलोग्राम उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं और समेकित ढंग से करेंगे तो वहां पर हमें 60 किलोग्राम की ही ज़रूरत है, 40 किलोग्राम जो वेस्ट जा रहा था उसकी ज़रूरत नहीं है, तो 40 किलोग्राम कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे। अगला सवाल देखिए क्या है, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोटेक। बताइए जल्दी से, ए बे से दे। आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोटेक, जल्दी से बताइए। समान, यहाँ पर समान स्थान तापमान को मिलाने वाली रेखा के बारे में पूछा गया है। जिसने आइसोथर्म जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आइसोथर्म क्या होता है? थर्म का मतलब होता है गर्म। तो किसी भी चीज़ को आपसे पूछा जाए थर्म के बारे में या तापमान के बारे में पूछा जाए तो थर्म को सही कर देना। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोथर्म के नाम से जानी जाएगी। अगर आपको पूछे कि समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, तो समान ऊंचाई का भी मैंने बताया था, ऊंचाई को किस में मापते हैं? बार में मापते हैं। तो आइसोबार से क्या करेंगे? आइसोबार से करेंगे हम समान ऊंचाई स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोबार कहलाएगी। तो समान अगर ऊंचाई मापनी है तो आइसोबार, और समान तापमान मापना है तो आइसोथर्म। आइसोटेक भी होती है, ये वर्षा की होती है, और आइसोहाइट भी होती है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगला सवाल देखो, समोच्च जुताई से भूक्षरण कितने प्रतिशत कम किया जा सकता है? समोच्च जुताई से भूक्षरण कितने प्रतिशत कम किया जा सकता है? इसका मतलब ये है कि सही ढंग पूर्वक सही समय पर अगर जुताई करें तो भूक्षरण को या मृदा क्षरण को या मिट्टी के क्षरण को कितने प्रतिशत तक कम कर सकते हैं हम? यहाँ पर समय बताया गया है कि समय बताने के आधार पर हम इस समय अगर जुताई करें तो कितने प्रतिशत तक की भूक्षरण कम होगा? 8%, 20%, 50 या 60% तक? बताइए जल्दी से, क्योंकि जुताई, जब पहले हम जुताई कर देते हैं बरसात नहीं आती, तो इससे क्या होता है कि मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो समोच्च जुताई से भूक्षरण कितने प्रतिशत कम किया जा सकता है? 50% तक, लगभग 50%। आधा भूक्षरण इसी से होता है, किससे होता है? जुताई करने से। जैसे ही हम जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद में क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं, वो हवा से भी कर सकते हैं और मिट्टी पानी से भी कर सकते हैं। और जब हम जुताई समय पर करेंगे और फसल से हमारी मिट्टी आच्छादित हो जाएगी, ढक जाएगी, तो भूक्षरण क्या हो जाएगा? भूक्षरण कम हो जाएगा। तो 50% तक कम किया जा सकता है। अगला सवाल है, LEISA के प्रयोग का संबंध है। बताइए जल्दी से, LEISA जिसको लीसा के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े आज आपको अलग मिले होंगे, यूनिक मिले होंगे,
क्योंकि ज़रूरी भी है अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाना। और अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना क्लासेस होती हैं। अगर आप BHU के स्टूडेंट हैं या आप ICR के स्टूडेंट हैं या JET के स्टूडेंट हैं तो आप शाम वाली क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। शाम को 5 बजे क्लास लगती है, उसमें JET का पेपर ICR का पेपर सॉल्व करवाया जाता है, और शाम को सही 6:30 बजे क्लास लगती है, उसमें BHU का पेपर और उसमें PAT और CGPAT का पेपर सॉल्व करवाया जाता है, और सही शाम को 8:30 बजे हमारी क्लास लगती है बायोलॉजी की। तो उसका टाइम टेबल आपको भी क्लास के लास्ट में मिल जाएगा, या आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी तो वहाँ आपने देखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लीसा के प्रयोग का संबंध है। लीसा का मतलब होता है कार्बनिक खेती से, किससे होता है कार्बनिक खेती से। जब हम कार्बनिक खेती करते हैं तो कार्बनिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से करने की विधि क्या कहलाती है, लीसा कहलाती है। कार्बनिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से करने की खेती क्या कहलाएगी, लीसा के नाम से जानी जाएगी। कार्बनिक खेती को हम ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपको पूछ ले कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट या कार्बनिक राज्य कौन सा है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट या कार्बनिक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ध्यान रखना कौन सा है, सिक्किम है। वहाँ पर ज़ीरो केमिकल यूज फार्मिंग की जाती है, ज़ीरो केमिकल यूज फार्मिंग की जाती है, शून्य रसायन इस्तेमाल खेती की जाती है, बिल्कुल रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जो सिक्किम में जो सब्जी होती है और जो भी फसलें वगैरह मसाले होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल प्रकृति की गोद में बने होते हैं, उन पर बिल्कुल रसायन नहीं डाला जाता है और बहुत महंगे जाते हैं। लेकिन वो महंगे इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका सीधा एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर हो जाता है, यहाँ उनको सही कीमत नहीं मिल पाती। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तब आपका जवाब होगा डूंगरपुर। कौन सा होगा, डूंगरपुर को पहला ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा, सॉरी ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट यानी कार्बनिक जिले का दर्जा दे दिया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये आ सकता है इस बार कि राजस्थान का कौन सा ज़िला कार्बनिक रहित, सॉरी रसायन रहित खेती के लिए जाना जाता है। क्या आएगा सवाल, राजस्थान का कौन सा ज़िला रसायन रहित खेती के लिए जाना जाता है, तो डूंगरपुर। या भारत का कौन सा राज्य रसायन रहित खेती के लिए जाना जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखिए अब अगला सवाल क्या है, सबसे अधिक गहराई से पानी निकालने वाला साधन कौन सा है। क्वेश्चन को सिर्फ इजी वे में पूछा गया है, ऑप्शन ए चरस, ऑप्शन बी रहट, ऑप्शन सी ट्यूबवेल और ऑप्शन डी कोई नहीं। सबसे अधिक गहराई से पानी निकालने वाला साधन बताना है, चरस, रहट, ट्यूबवेल और कोई नहीं। बताइए सबसे अधिक गहराई से पानी किससे निकाला जाएगा, चरस से, रहट से, ट्यूबवेल से या किसी से नहीं। जिसने जवाब दिया है ट्यूबवेल, बिल्कुल सही जवाब है। ट्यूबवेल क्या होता है, बहुत अधिक गहराई तक इसको छेद किया जाता है, मिट्टी के अंदर एक छेद किया जाता है भूमि के अंदर, और उससे पानी को निकाल लिया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, सूरजमुखी का कुल है, सूरजमुखी का कुल पूछा है, मालवेसी, सोलानेसी, कंपोजिटी या क्रूसीफेरी। बताइए जल्दी से सूरजमुखी का कुल क्या है, मालवेसी, सोलानेसी, कंपोजिटी या क्रूसीफेरी। सूरजमुखी कुल अगर वो आपसे पूछेगा तो इसी प्रकार के अटपटे कुल ही पूछेगा वो आपसे, ठीक है। वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा गेहूं का कुल क्या है, ये थोड़े इजी सवाल हो जाते हैं। वो आपसे कुल पूछेगा कंपोजिटी या ऐसे ही कुछ कुल पूछेगा, तिल का पूछ लेगा आपसे, कपास का पूछ लेगा, सूरजमुखी का पूछ लेगा। तो सूरजमुखी का कुल बताना है आपको, फैमिली ऑफ सनफ्लावर इज, मालवेसी, सोलानेसी, कंपोजिटी या क्रूसीफेरी। बताइए जल्दी से, जिसने से जवाब दिया है कंपोजिटी, बिल्कुल सही जवाब है। जो सनफ्लावर होता है उसकी फैमिली होती है कंपोजिटी, या सूरजमुखी होता है उसकी फैमिली होती है, कुल होता है कंपोजिटी। अगला सवाल है, सूखे की स्थिति में बाजरे की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए छिड़काव करें, 0.1% थायो यूरिया का घोल का, 0.2% नमक का घोल का, 0.1% सोडियम सल्फेट के घोल का, या ऑप्शन डी कोई नहीं। ए बे से दे, 0.1% थायो यूरिया का घोल, 0.1% नमक का घोल, 0.1% सोडियम सल्फेट का घोल या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जब सूखे की स्थिति हो जाती है तो उस समय 0.1% क्या करते हैं हम, 0.1% थायो यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं। 0.1% क्या करते हैं, थायो यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सूखा पूछा जाता है और सूखे को मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, थायो यूरिया का
जो स्प्रे करेंगे हम, था यूरिया का 0.1% का स्प्रे करेंगे। अगला सवाल देखिए, सूखे की स्थिति में बाजरे की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए छिड़काव करें। सूखे की स्थिति में बाजरे की फसल में अच्छा उत्पादन के लिए छिड़काव करें। ऑप्शन ए 0.1% था यूरिया का घोल, ऑप्शन बी 0.1% नमक का घोल, ऑप्शन सी 0.1% सोडियम सल्फेट का घोल और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, 0.1% था यूरिया का घोल, 0.1% नमक का घोल, 0.1% सोडियम सल्फेट का घोल और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, सूखे की स्थिति में बाजरे की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए छिड़काव, था यूरिया। ये 2 बार आ चुका है ये सवाल, इट मीन्स। अगला सवाल, सर्वप्रथम कौन सा खरपतवार जैविक विधि द्वारा नियंत्रण किया गया। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम कौन सा खरपतवार जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए कांग्रेस घास, ऑप्शन बी पार्थेनियम, ऑप्शन सी लेंटेना कैमरा और ऑप्शन डी एक वे दो दोनों। बताइए जल्दी से, सर्वप्रथम कौन सा खरपतवार जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आपको। इससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें और बताऊंगा मैं आपको और ये सवाल आ सकता है। कांग्रेस, पार्थेनियम, लेंटाना कैमरा, एक वे दो दोनों। तो जिसने जवाब डी दिया है, एक वे दो दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। देखो, जो पार्थेनियम होती है या गाजर घास होती है, उस गाजर घास को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। गाजर घास को हम कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। तो गाजर घास, कांग्रेस घास और पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस तीनों एक ही पौधे के नाम है और तीनों एक ही खरपतवार है और ये बहुत ही खराब खरपतवार होता है। जहाँ पर उगता है वहाँ की सोयल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पर किस प्रकार के फूल आते हैं, तो सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाजर घास के संपर्क में आने पर किस प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो त्वचा पर खुजली हो जाती है। त्वचा पर खुजली हो जाती है और ये क्या है, बहुत ही हानिकारक खरपतवार है जिसका सबसे पहली बार क्या किया गया था, जैविक विधि से नियंत्रण किया गया था, बायो कंट्रोल। ठीक है, बायो कंट्रोल किया गया था इनका, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या है, सर्वाधिक लवणता सहनशील वाली धान्य फसल है। सर्वाधिक लवण सहन करने वाली, सर्वाधिक लवण सहन करने वाली धान्य फसल बतानी है आपको, कौन सी होगी सर्वाधिक लवण सहन करने वाली। कपास, जो है यहाँ पर जी नहीं है, जो है यहाँ पर जो। ऑप्शन बी चावल और ऑप्शन सी वापस से कपास आ गया, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो देखो, इसका आंसर बता देता हूँ मैं, जो लवण सहन करने वाली फसल है वो कौन सी हो जाएगी। लवण सहन करने वाली जो फसल होगी उसको हम कह सकते हैं कि जो होगी, क्या है, क्या होगी, जो होगी। तो सर्वाधिक लवण कौन सहन करता है, सर्वाधिक लवण सहन करने वाली किस्म जौ के नाम से जानी जाती है और जौ की जो फसल होती है उसकी सबसे ज़्यादा लवण सहनशील और क्षार सहनशील वाली किस्में विकसित की गई है। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक सूखा सहनशील वाली धान्य फसल। पहले तो थी लवण सहनशील, जिसमें हम मूंग को बताया, हमने जौ को बताया था। अब पूछा गया सर्वाधिक सूखा सहनशील वाली धान्य फसल कौन सी है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी तिल। बताइए जल्दी से, मूंग, गेहूं, मूंग, ज्वार या तिल। गेहूं, मूंग, ज्वार या तिल। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन से वाला, ज्वार बिल्कुल सही जवाब है। जो ज्वार की फसल होती है जिसको हम सोरगम बाइकलर के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करती है, ये सबसे अधिक सूखा सहन कर सकती है। इसको हम ऊँट फसल के नाम से भी जानते हैं, कौन सी फसल, ऊँट फसल या कैमल क्रॉप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ध्यान रखना, ज्वार क्या है, कैमल क्रॉप, ऊँट फसल के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये सूखा सहन कर सकती हैं। जैसे ही इसको पानी मिलता है इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जैसे ही इसको पानी मिलता है, सॉरी, पानी मिलना बंद हो जाता है इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये पानी को स्टोर कर लेती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगला सवाल है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वैसे इस प्रकार के सवाल अब नहीं आएंगे, पुराने समय में आया करते थे, तो मैंने पुराना पेपर देखा था उसमें सवाल था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया इसमें। तो यहाँ पर पूछा है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो बताना है आपको अगर आता है आपको तो। 1960, 1981, 1987, 1990, बताइए, 89।
जिसने जवाब दिया है 87, बिल्कुल सही जवाब है। 1987 में क्या हुआ था, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, राजस्थान स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1987 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, ये हो चुका है। स्वीट कॉर्न के नाम से किस मक्का को जाना जाता है, स्वीट कॉर्न के नाम से किस मक्का को जाना जाता है, ऑप्शन ए जियामेज सेकेरेटा, ऑप्शन बी जियामेज डाइकिनाटा, ऑप्शन बी जियामेज इंडुराटा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से, स्वीट कॉर्न के नाम से मक्का को जाना जाता है, कौन सी मक्का स्वीट कॉर्न के नाम से जानी जाएगी। स्वीट का मतलब होता है शर्करा, शर्करा से आप याद कर लेना सेकेराटा, तो स्वीट कॉर्न मक्का कौन सी हो जाएगी, स्वीट कॉर्न मक्का हो जाएगी सेकेराटा। देखो जो मक्का होती है वो लगभग 7 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, और उन 7ों में से एक वो आपसे जरूर पूछेगा ही पूछेगा कि इनमें से पॉपकॉर्न कौन सा है, फ्लिंट कॉर्न कौन सा है, या स्वीट कॉर्न कौन सा है, या पोर्ड कॉर्न कौन सा है, क्योंकि ये सबके वानस्पतिक नाम हैं वो अलग अलग हैं। तो आप जरूर से उसको देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी, और अगर आपको उस पर अलग से एक क्लास चाहिए तो उस पर एक क्लास अपन लगाएंगे बहुत ही जल्दी, अब थ्योरी की क्लासेस चालू करेंगे। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर बता चुका हूँ मैं आपको, स्वीट कॉर्न क्या है, जियामेज सेकेराटा। अगला सवाल देखिए, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन ए दूध से, ऑप्शन बी बागवानी से, ऑप्शन सी तेल से, और ऑप्शन डी टमाटर से। बताइए जल्दी से, स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है बताना है आपको, जल्दी से बताइए। स्वर्ण क्रांति, जिसने बी जवाब दिया है बागवानी, बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी से है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूध वाली क्रांति कौन सी है, तो दूध वाली क्रांति कौन सी हो जाएगी, दूध वाली क्रांति हो जाएगी हमारी श्वेत क्रांति, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुनियन। अगर आपसे तेल वाली क्रांति पूछ ले या तिलहन क्रांति पूछ ले, तो तिलहन क्रांति कौन सी हो जाएगी, तिलहन क्रांति हो जाएगी हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से माना जाता है, ठीक है। और गोल क्रांति में मुख्य रूप से वैसे तो आलू आता है, पर कभी कभी टमाटर को भी इंक्लूड इसमें किया जाता है, वैसे गोल क्रांति टमाटर नहीं है। अगला सवाल देखो, सौंफ किस वानस्पतिक कुल की फसल है, सौंफ किस वानस्पतिक कुल की फसल है, और सौंफ आप जानते हो एक मसाला है, और मैंने बताया था एक दिन सौंफ जीरा धनिया ये सब एक ही कुल के पादप हैं, ये बताया था मैंने आपको, सौंफ जीरा और धनिया ये मसाले वाले हैं, एक ही कुल के पादप है। तो आपको बताना है अम्बेली फेरी में है, चिनोपोडियेसी में है, लेग्यूमिनोसी में है, या नेमिनी में है, बताइए जल्दी से, अम्बेली फेरी, चिनोपोडियेसी, लेग्यूमिनोसी या नेमिनी, बताइए। सौंफ किस वानस्पतिक कुल की फसल है, सौंफ किस वानस्पतिक कुल की फसल है, जल्दी से बताइए। जिसने जवाब दिया है अम्बेली फेरी, बिल्कुल सही जवाब है, सौंफ किस वानस्पति कुल की फसल है, अम्बेली फेरी कुल की फसल है। क्यों, क्योंकि जो अम्बेली फेरी कुल है उसमें सभी मसाले वाली फसलों को रखा गया है, और लेग्यूमिनेसी में क्या आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी में आ जाएगा सारी दलहनी और तिलहनी फसलें। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, सौंफ के तेल में कौन सा तत्व पाया जाता है या उपस्थित होता है, ऑप्शन ए फ्रेंकोन, ऑप्शन बी एथिनॉल, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों, बताइए जल्दी से। सौंफ के तेल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, सौंफ के तेल में कौन सा तत्व, ऑप्शन ए फ्रेंकोन, एथिनॉल, कोई नहीं, एक वेदि, एक वे दो दोनों। तो सौंफ के तेल में कौन सा तत्व उपस्थित होगा, फ्रेंकोन या एथिनॉल। जिसने ऑप्शन ए डी जवाब दिया है, डी बिल्कुल सही जवाब है, सौंफ के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं फ्रेंकोन और एथिनॉल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सौंफ जैसे ही हम खाते हैं हमें ठंडा ठंडा लगता है। वो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो उसमें अल्कोहल तत्व भी होते हैं, और वो हमें ठंडेपन का एहसास कराते हैं। तो ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। अगला सवाल है, सौंफ का उत्पत्ति स्थान माना गया है, सौंफ फेनल, फेनल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, फेनिकुलम वल्गेर, क्या हो जाएगा, फेनिकुलम वल्गेर। कैसे याद रखोगे, सौंफ को क्या बोलते हैं, फेनल, फेनल से फेनिकुलम वल्गेर, याद रख लेना। तो उत्पत्ति स्थान दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, भारत या चीन, सौंफ का उत्पत्ति स्थान माना गया है दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, भारत या चीन, बताइए जल्दी से। सौंफ का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, सौंफ का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है, बताइए जल्दी से, सौंफ का उत्पत्ति स्थान
जिसने दक्षिणी यूरोप जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सौंफ का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? सौंफ का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी यूरोप को माना गया है, दक्षिणी यूरोप सौंफ का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। सौंफ की फसल उगाई जाती है, सौंफ की फसल उगाई जाती है, बताइए जल्दी से, सौंफ की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए औषधि हेतु, मसाले हेतु, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। औषधि, मसाला, एक दो दोनों, कोई नहीं। सौंफ की फसल किस लिए उगाई जाती है बताना है आपको। जिसने ऑप्शन से जवाब दिया है, एक और दो दोनों बिल्कुल सही जवाब है। सौंफ की फसल किस लिए उगाई जाती है? औषधि का महत्व भी होता है इसका, और मसाले हेतु भी इसको इस्तेमाल में किया जाता है। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो मसाला शब्द है ये हिंदी का नहीं है, ये एक अरबी शब्द है। ये मसाला शब्द जो है ये हिंदी का नहीं है, ये अरबी शब्द है। और ये जो औषधि शब्द है, ये औषधि शब्द क्या है? हिंदी का शब्द है। तो हमारे रसोई में जितनी भी हम मसाले लेते हैं इस्तेमाल में, जैसे सौंफ, जीरा, मेथी, धनिया, नमक, नमक नहीं होगा, मिर्ची, और जितने भी हैं वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब ही औषधियाँ हैं। क्या हैं? औषधियाँ। उन सब का इस्तेमाल होता है, जैसे हल्दी का इस्तेमाल क्या होता है, वो हमारे पेट दर्द को कम कर देती है, और जो मिर्ची होती है वो हमारे क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इस प्रकार के सारे ही जो औषधियाँ हैं उनका एक ना एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, और उन सब को हमारे भारत में प्राचीन काल से ही औषधि बोला जा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब अरबी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ तो फिर हम क्या बोलने लगे, उनको मसाले बोलने लग गए। तो समय समय पर आपको इंटरेस्टिंग जानकारी भी देता रहूँगा मैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, सौंफ की उन्नत किस्म है, सौंफ की उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए PF 35, ऑप्शन बी कोयम्बटूर एक, ऑप्शन सी RF 101, और ऑप्शन डी उक्त सभी या उपरोक्त सभी, बताइए जल्दी से। सौंफ की उन्नत किस्म कौन सी होगी? PF 35, कोयम्बटूर 1, RF 101 या उपरोक्त सभी। सौंफ की उन्नत किस्म पूछी है आपसे, सौंफ की उन्नत किस्म पूछी है आपसे। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। देखो जो RF 101 और PF 35 और कोयम्बटूर 1 है, ये तीनों ही किस्में किसकी हैं? तीनों ही सौंफ की उन्नत किस्में हैं। तो PF 35, RF 101, कोयम्बटूर 1 तीनों किस्में किसकी हैं? सौंफ की उन्नत किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, सौंफ की रोपण विधि से बुआई करने पर बीज दर कितनी रखी जाती है? सौंफ की रोपण विधि से बुआई करने पर बीज दर कितनी रखी जाती है? ऑप्शन ए 18 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन बी 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 से 12 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 3 से 4 किलोग्राम, बताइए जल्दी से। सौंफ की रोपण विधि से बुआई करने पर, सौंफ की रोपण विधि से बुआई करने पर बीज दर कितनी रखी जाती है? ऑप्शन ए 18 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन बी 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 से 12 किलोग्राम, और ऑप्शन डी 3 से 4 किलोग्राम। जिसने सौंफ की रोपण विधि से बुआई करने पर बीज दर, बताइए जल्दी से, जिसने 3 से 4 किलोग्राम, बताइए, बिल्कुल सही जवाब है। जो सौंफ की रोपण विधि से हम बुआई करेंगे, सौंफ की रोपण विधि से हम बुआई करेंगे वो कितनी करेंगे? 3 से 4 किलोग्राम। 3 से 4 किलोग्राम जब हम बुआई करते हैं रोपण विधि से, रोपण विधि का मतलब होता है पहले रोपण के लिए पौध तैयार की जाती है, फिर उसका खेत में रोपण किया जाता है, तो कितनी होगी? 3 से 4 किलोग्राम होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मिर्च की पूछ ले अगर आपसे, तो मिर्च का देखो, मिर्च की सीड डेट BHU में भी आई हुई है 2 बार, मिर्च की सीड डेट ध्यान रखनी है 1.5 किलोग्राम होती है, 1.5 किलोग्राम होती है, 1500 ग्राम या उसको 1.5 किलोग्राम भी कह सकते हैं। अगला सवाल है, सोयाबीन तथा मूंगफली के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी बतानी है आपको। सोयाबीन तथा मूंगफली के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, और ऑप्शन डी 3 मीटर, बताइए जल्दी से। सोयाबीन तथा मूंगफली के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर। सोयाबीन तथा मूंगफली के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी, जिसने जवाब 3 मीटर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन तथा मूंगफली के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होगी? 3 मीटर रखी जाती है, सोयाबीन और मूंगफली की प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी। और जिसको अभी तक पृथक्करण दूरी पता नहीं है, मैंने पिछली क्लास में पृथक्करण दूरी बताया था आपको, अगर नहीं थे आप क्लास में तो फिर से बता देता हूँ जल्दी से। देखो पृथक्करण दूरी का मतलब ये होता है कि पहले पहली बात तो ये कि इसको इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसको उसी क्षेत्र पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बीज उत्पादन कर रहे हैं या बीज की किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं। तो राजकीय फार्म रिसर्च सेंटर वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमारी मुख्य फसल बो रखी है
तो मुख्य फसल से हम क्या करेंगे, लगभग 3 मीटर। यहाँ पर क्या दिया गया, सोयाबीन और मूंगफली की प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी। तो मुख्य फसल अगर हमारी यहाँ पर है तो इसके 3 मीटर के दायरे में इन दोनों में से कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। अगर मूंगफली बो रहे हैं तो मूंगफली की कोई भी किस्म इन 3 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो क्या होगी, हो जाएगी तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, और क्रॉस पोलिनेशन होने से हमारी जो फसल की गुणवत्ता है या बीज की गुणवत्ता है वो खराब हो सकती है। इसीलिए पृथक्करण दूरी रखा जाता है, पृथक पृथक रखा जाता है, उनको दूर रखा जाता है किस्मों को। अगला सवाल देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 30%, 38%, 40% या 50%। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको। 30%, 38%, 40% या 50%, बताइए जल्दी से कितना होगा। सोयाबीन में प्रोटीन कितना होगा, 30, 38, 40 या 50? जिसने 40 जवाब दिया है, 40% बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है 40%। अगला सवाल देखिए, सोयाबीन का कुल पूछा है, कंपोजिटी, रोमिनी, लेग्यूमिनेसी या लीनेसी, बताइए सोयाबीन किसका कुल है, कंपोजिटी का है, रोमिनी का है, लेग्यूमिनेसी का है या लीनेसी का है। सोयाबीन का कुल, जिसने जवाब दिया है सोयाबीन का कुल, लेग्यूमिनेसी बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन किसका कुल होगा, सोयाबीन लेग्यूमिनेसी का कुल होता है। सोयाबीन किसका कुल है, लेग्यूमिनेसी का कुल है। अगला सवाल देखिए, सोयाबीन की कौन सी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट व राइजोक्टोनिया रोग के प्रति प्रतिरोधी है। सोयाबीन की कौन सी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट व राइजोक्टीना रोग के प्रति प्रतिरोधी है। ऑप्शन ए NRC 12, ऑप्शन बी NRC 36, ऑप्शन सी प्रताप सोया फर्स्ट, ऑप्शन सी JS 93005। सोयाबीन की कौन सी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट व राइजोक्टीना रोग के प्रति प्रतिरोधी है, बताना है आपको सोयाबीन की कौन सी किस्म। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, NRC 12 बिल्कुल सही जवाब है। NRC 12 क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट व राइजोक्टीना रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। NRC 12 ध्यान रखना किसकी किस्म है, सोयाबीन की है। NRC 12 सोयाबीन की किस्म है, बैक्टीरियल ब्लाइट व राइजोक्टीना रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अगला सवाल से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके साथ की ज़रूरत है हमें। हमारा चैनल बहुत ही जल्दी एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाला है, वो सब आपका प्यार है इसीलिए हासिल करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही आपको, अगर आप आज कर दोगे सब्सक्राइब तो आपको आज ही खुशखबरी सुना दी जाएगी, अगर कल करोगे तो कल, जितना आप लेट करोगे उतनी ही लेट खुशखबरी होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब इसके बाद में क्लास लगेगी, शाम को जेट का पेपर सॉल्व करवाऊँगा मैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी क्लास आगे क्वेश्चन और है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आना है। शाम को 5 बजे मैं पेपर सोल्व करवाऊँगा आपको, ठीक है। और 6:30 बजे BHU का पेपर सोल्व करवाऊँगा मैं। BHU में बहुत कम स्टूडेंट आ रहे हैं, जो स्टूडेंट BHU की तैयारी कर रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ मैं, और जो BHU की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है ना। बट करवाऊँगा तो मैं आपको एग्रीकल्चर ही, और एग्रीकल्चर तो सब में आ रही है, लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, और राजस्थान के स्टूडेंट BHU की क्लास नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा मत करो, BHU की भी क्लास लो, आपको फ़ायदा होगा, यकीन मानिए। BHU के जो सवाल हैं वो जेट में आते हैं, जेट के सवाल BHU में आते हैं, देखना आपको बताऊँगा मैं। और दूसरी बात यह है कि टाइम टेबल आपको पता ही है, तो समय समय पर आते रहिए, और शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास लगती है, ये पता ही है आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, सामान्यतः राजस्थान की मृदा में कितना कार्बन पाया जाता है। सामान्यतः राजस्थान की मृदा में कितना कार्बन पाया जाता है, तो लेस देन 0.75%, ग्रेटर देन 0.75%, और 2% या 5%, बताइए जल्दी से। सामान्यतः राजस्थान की मृदा में कितना कार्बन पाया जाता है, ए बी सी डी, ए बी सी या डी, राजस्थान की मृदा में कितना कार्बन पाया जाता है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, 0.75%, बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान की मृदा होती है उसमें कार्बन कितना पाया जाता है, 0.75% पाया जाता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सूचना और आपके लिए खुशखबरी है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब जो ऑब्जेक्टिव्स आएँ वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टॉपिक आएँ। एक टॉपिक का एक ऑब्जेक्टिव क्लास ली, पूरी ख़त्म, दूसरा टॉपिक स्टार्ट, तो इस प्रकार से मैं बनाना चाहता हूँ। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, कि
बिल्कुल उसको कंटिन्यू किया जाए। जैसे सपोज डेट हमने हॉर्टिकल्चर की क्लास स्टार्ट की, हॉर्टिकल्चर का पहला टॉपिक है हमारा सपोज डेट की मैंगो, तो मैंगो से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको टेस्ट सीरीज में सॉल्व करवा दूंगा। तो क्या ये मेरी राय सही है या गलत है, क्या आपको टॉपिक वाइज और टेस्ट सीरीज करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, इसका कमेंट आपको करके बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं करते हो आप तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। और जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारा जो चैनल का टारगेट है वो पूरा कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, इस वीडियो पर 50 लाइक तो बनते हैं, ठीक है। और मिलेंगे शाम को सही 5:30 बजे, शाम को सही 5 बजे जेट की क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।